अगर बात की जाए स्विफ्ट की, तो हमारे कंट्री की दो होम ग्रोन कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स हैं, टाटा और महिंद्रा। दोनों ही कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स अपनी कार की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुकी हैं, क्योंकि एक के बाद एक दोनों ही कंपनी की जो कार्स हैं वो ग्लोबल एंड कैप में 4 या फिर 5 स्टार स्कोर कर ही रही हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करी है ग्लोबल एंड कैप में। जहाँ पे महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन SUV 700 और SUV 300 ग्लोबल एंड कैप में 5 में से 5 स्टार स्कोर करके आई हैं। और वहीं पर जो टाटा है, उन्होंने तो गेम ही चेंज करके रख दिया है, क्योंकि टाटा अब नेक्स्ट लेवल पर खेल रहा है। टाटा अब कार्स नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा है, टाटा मैन्युफैक्चर कर रहा है टैंक्स। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि टाटा टैंक्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्योंकि टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही तगड़े लेवल पे बढ़ चुकी है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आप एक कोलिजन देख रहे हो, यहाँ पे मारुति सुजुकी की एक ब्रेजा है ओल्ड मॉडल वाली, उसका कोलिजन हुआ है टाटा की कार के साथ। अब मैं टाटा की अभी कार दिखाऊंगा, पहले आप मारुति सुजुकी ब्रेजा की हालत देख लो। सामने से इसका जो हुड है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, मतलब A to Z पूरा हुड बेंड हो चुका है। अब मैं दिखा रहा हूँ कोलिजन हुआ किससे, कोलिजन हुआ है टाटा की हैरियर से। आपको हैरियर को देख के लगेगा अभी कि अभी इसका कोलिजन हुआ है। नॉमिनल से इसके बम्पर से आपको स्क्रैचेस देखने के लिए मिलेंगे बस, और सुजुकी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एक और वीडियो है जहाँ पे एक टाटा की हेक्सा एक घर के सामने पार्क रहती है और एक स्विफ्ट डिजायर आके उससे बहुत ही तेज से लड़ जाती है। जो रिजल्ट होता है बहुत ही भयानक होता है, क्योंकि स्विफ्ट डिजायर जो होती है वो फ्रंट से और फेंडर से पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, वो कार अंदर की तरफ धंस जाती है। और वहीं पर टाटा की हेक्सा को देखने से लगता ही नहीं कि उस कार का भी एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उसके बम्पर पे आपको नॉमिनल से स्क्रैचेस देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि हेक्सा अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बट अपने टाइम की टाटा की फ्लैगशिप लेवल की ही कार थी। बट इस टाइम पे जो टाटा की अभी एंट्री लेवल की कार्स होती हैं, जैसे टाटा की पंच, वो भी बहुत ही अच्छा ग्लोबल एंड कैप में परफॉर्म करके आ रही हैं। टाटा पंच ने 5 में से 5 स्टार स्कोर किए ग्लोबल एंड कैप में, और ये टाटा की एंट्री लेवल की कार है। तो टाटा कभी भी अपनी फ्लैगशिप लेवल की जो कार्स होती हैं उनमें सेफ्टी की कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। एक न्यूज़ थी कश्मीर की, जहाँ पे एक सफारी को एक बस ने बहुत ही बुरी तरीके से दीवार में पूरी तरह से दबा दिया था। बट अभी भी आप देख रहे होंगे सफारी के अंदर जितने भी ऑक्यूपेंट्स थे उनको कोई भी तरीके की इंजरी नहीं हुई है, और ये जो सफारी है इस बस की मेटल शीट को बगल से फाड़ते हुए बाहर आ गई है। इसलिए मैं कह रहा था टाटा टैंक्स बना रही है। आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो में देखा होगा जहाँ पे उन्होंने बताया है कि सफारी को जब ग्लोबल एंड कैप ने क्रैश टेस्ट के लिए बुलाया तो क्रैश बैरियर ही टूट गया क्रैश के समय। तो ये बहुत ही फेक न्यूज़ है, क्योंकि अभी तक सफारी और हैरियर का क्रैश टेस्ट हुआ ही नहीं है। इसके पीछे का रीज़न जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट उसके पहले प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग इस चैनल, क्योंकि आप में से 98% लोग तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि इन वीडियोज़ में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी जल्दी 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा लीजिए। टाटा की हैरियर और टाटा की सफारी टाटा की फ्लैगशिप लेवल की कार है, और अभी तक इनका क्रैश टेस्ट ना होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है इनमें यूज हुआ इंजन। 2 लीटर का मल्टीजेट 4 सिलेंडर इंजन इसमें यूज किया जाता है, जो टाटा डायरेक्ट फीएट से सोर्स करती है, और यही इंजन आपको ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी कार्स में देखने के लिए मिल जाता है। सेम इंजन आपको MG की हेक्टर में भी देखने के लिए मिल जाता है, सेम इंजन आपको जीप कंपस में भी देखने के लिए मिल जाता है, और सेम इंजन आपको जीप मेरिडियन में भी देखने के लिए मिल जाता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इस इंजन का वो ये है कि इस इंजन को फीएट लेफ्ट हैंड ड्रिवन कार्स के लिए बनाती थी, और इंडिया में राइट हैंड ड्रिवन कार्स चलती हैं, इसीलिए जो इंजन में ऑयल फिल्टर की प्लेसमेंट है वो राइट हैंड साइड है, और इंडिया में राइट हैंड साइड पे ड्राइवर होता है। तो इसीलिए कोलिजन के टाइम बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो ऑयल फिल्टर है और कुछ कंपोनेंट्स डायरेक्ट केबिन के अंदर एंटर करके इंजरी कर सकते हैं ड्राइवर को। इसीलिए टाटा हैरियर और सफारी दोनों की अभी तक टाटा ने क्रैश टेस्ट नहीं कराया है, क्योंकि ये दोनों ही टाटा की फ्लैगशिप लेवल की कार्स हैं, और टाटा नहीं चाहता है कि इनकी जो सेफ्टी रेटिंग है ग्लोबल एंड कैप में कम हो जाए, क्योंकि जो इसकी एंट्री लेवल की भी कार्स होती हैं उनकी भी जो सेफ्टी होती है वो भी टॉप होती है। टाटा की जो पंच है वो एंट्री लेवल की कार है, 5 में से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग उसको भी है। जो से थोड़ी सी ऊपर वाली लेवल है टाटा की नेक्सॉन, उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि 5 में से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसमें भी देखने के लिए मिलती है। तो टाटा अपनी फ्लैगशिप लेवल की कार्स टाटा हैरियर और सफारी में सेफ्टी रेटिंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि अगर इस छोटी सी मिस्टेक से टाटा हैरियर और सफारी की सेफ्टी रेटिंग कम हो जाती है, जो हो ही जाएगी, क्योंकि अगर कोलिजन के समय जो ऑयल फिल्टर है और थोड़े से और कंपोनेंट अगर डायरेक्ट केबिन में एंटर कर जाते हैं तो ड्राइवर को इससे बहुत ज़्यादा खतरा होगा। तो ग्लोबल एंड कैप दोनों कार्स की 1 स्टार तो कम कर ही देगी, और यही टाटा अपने दोनों कार्स के लिए नहीं चाहती है, क्योंकि ये दोनों उनकी फ्लैगशिप की कार्स हैं, और अगर इनमें 5 में से 1 भी स्टार कम होता है तो इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ही ड्रास्टिकली फेल हो जाएगी, क्योंकि इनकी एंट्री लेवल की कार्स की भी रेटिंग 5 में से 5 स्टार ही होती है। और जो एक और रीज़न है इनकी क्रैश टेस्ट की लेटेंसी का, वो ये भी है कि जो इंजन फीएट वाला इसमें दोनों कार्स में यूज़ होता है उसका जो बल्क ऑर्डर है वो ऑलरेडी टाटा ने फीएट को
पहले ही दे दिया था, तो लॉन्ग रन तक इन दोनों कार्स में सेम इंजन यूज होने वाला था, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। और एक और चीज़ है कि इन दोनों कार्स की जो ट्रायल हो रहे हैं फेसलिफ्ट के, वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो हो सकता है कि दोनों कार की जो फेसलिफ्ट आने वाली है उनमें इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, ये भी मेरी असम्पशन ही है। तो जो फेसलिफ्ट आने वाली है, हो सकता है उसमें इस प्रॉब्लम को इन दोनों कार्स की सॉल्व कर दिया जाए और उसके बाद इसका क्रैश टेस्ट पॉसिबल हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस कार का क्रैश टेस्ट उसके बाद होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के, तो क्या ये क्रैश बैरियर को तोड़ देगी? कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट बताइएगा। मेरे को तो लगता है कि शायद तोड़ ही देगी, तो वैसे इतना आसान तो होता नहीं है कि क्रैश बैरियर टूट जाए, बट टाटा की गाड़ी है क्या पता तोड़ दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको लगता है कि क्रैश बैरियर को तोड़ दे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन आप हमारे चैनल की मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए।